दोस्तों आप देख रहे हैं जिन चालीन को बात करेंगे, ये उनका मार्कशीट है और ये अच्छे नंबर डिस्ट्रिक्ट टॉप होने के कारण इसे घर में इस तरह से इसको सम्मानित किया गया। और देख रहे हैं ये सचिन कुमार जी हैं और बगल में उनके टीचर हैं, उसका नंबर भी आप देख लें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूँ इस ब्लॉगर में। दोस्तों आज का इस वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और इंस्पायरिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम कुछ ऐसे स्टूडेंट से बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर किए हैं, ठीक है, अच्छे रैंक लाए हैं, अच्छा खासा नंबर उठाए हैं और उन्हीं से हम आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा कि वो कैसे अपना मिस आई सी का स्टूडेंट होते साथ ही किसान, अब जानते हैं किसान के साथ खेती का काम करके और इतना अच्छा नंबर लाना, इतना मेहनत करना, आई सी को मिस टॉप करना, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना, समझ में आप पता मिस पता चल रहा होगा इसे कितना हार्ड होता है, ठीक है। तो आज उन्हीं से हम बात करेंगे, तो अभी हम लोग उसी के घर की तरफ निकलेंगे। तो दोस्तों और भी इसी तरह इंस्पायरिंग वीडियो आप लोग के सामने आते रहे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों इंस्टा पे फॉलो करें। तो आइए मिलते हैं उससे। तो दोस्तों अभी हम लोग सचिन जी के घर के पास मैं बस पहुँच ही गए और ये आप देख रहे सचिन बाहर में ही है, इनसे आज हम लोग बात करेंगे, इसी से आज हम लोग बातचीत करेंगे क्या इसने इन्होंने किया है। तो हाँ दोस्तों अभी हम लोग सचिन कुमार के घर आ चुके हैं, ये रहा उनका रूम और जो इतना सारे आप देख रहे हैं कॉपी किताब वगैरह नोटबुक वगैरह जो देख रहे हैं ये सब इन्हीं का है। और उधर भी देख रहे हो, उधर छज्जा भी है, ऊपर भी छज्जा है भरा हुआ और देख पा रहे दोस्तों इनका एक सिंगल बल्ब है और ये इनका एक बेड है और ये रहे हमारे सचिन कुमार आदव जी जिससे आज हम लोग लाइव बात करेंगे। थोड़ा हंस दीजिए भाई। तो देख रहे दोस्तों अभी हम लोग सचिन कुमार आदव जी के घर पे उनके छत पर बैठे हुए हैं और ये रहा उधर उसका आसपास का कुछ घर है जो आप लोग देख रहे हैं, मिट्टी का घर है, कहीं कहीं कुछ ईंट वगैरह का भी घर है। तो आप देख रहे दोस्तों, तो आज हम लोग इनसे लाइव बात करेंगे कि इन्होंने किस तरह से अपनी साइंस की तैयारी की है। तो थोड़ा मैं आप लोग को थोड़ा इधर बाहर का सीन दे रहा हूँ, है ना, तो ताकि कि आप लोग भी सीखें कुछ कि इन्होंने किस तरह से अपनी तैयारी की है, ठीक है। आज इनसे हम लोग जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से अपने साइंस का स्टूडेंट होकर भी अपने खेत का काम करके भी इन्होंने अच्छे मुकाम से अच्छे नंबर से पास किए हैं और डिस्ट्रिक्ट टॉप किए हैं, आठवें स्थान पे हैं। तो इनसे हम लोग बात करेंगे, इनसे जानेंगे और इनसे आप लोग भी सीख सकते हैं कि एक किसान का बेटा होकर के भी इन्होंने अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई की और ऐसा हम लोग को भी अच्छे सीख को मिलता है कि इनसे हम लोग इंस्पायर होकर सीखे और कुछ करें, ठीक है। तो आज हम लोग इनसे बात करेंगे। थोड़ा बहुत धूप होने के कारण क्षमा चाहता हूँ, तो जो वीडियो हम लोग कहीं और शूट करेंगे। तो दोस्तों अभी जैसा कि हमने आपको पहले बोला कि उस जगह पर बहुत धूप था उनके छत पे और नीचे में लाइट नहीं ना होने के कारण हम लोग छत पे गए, छत पे बहुत धूप था, इसलिए हम लोग फील्ड में आए। आप देख रहे हैं इधर का कुछ सीन आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ये रहा इधर का कुछ हरियाली वगैरह जो आप देख लें, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग थोड़ा इधर आए हैं खेत तरफ और मैं आप लोगों को सचिन जी से मिलवाता हूँ और इनसे आज हम लोग पूछेंगे, ठीक है, आइए इनसे बात करते हैं। ये रहा, ये आप देख रहे हैं सचिन कुमार यादव जी को, ठीक है, इन्हीं से आज हम लोग पूछेंगे कि ऐसा इस क्या किए, किस तरह से पढ़ाई किए, मीन्स क्या जादू मंत्र किए जो आज टॉप किए, अपना स्कूल टॉप किया, गांव से भी टॉपर है और डिस्ट्रिक्ट टॉपर है जो आठवें नंबर पे हैं, ठीक है। ये अपना सब कुछ बताएंगे, अपन बताएंगे। सचिन कुमार यादव जी, मेरा नाम सचिन कुमार यादव है, मैं गैड़ा में रहता हूँ, मैं ISC RMM प्लस टू हाई स्कूल चंदवारा से किया जी। बहुत अच्छा, आपने बताया कि आप RMM में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप ये बताएं कि ISC आप लिए, ठीक है, तो उसके पीछे क्या रीज़न था तो ये बता दें। मुझे शुरू से ही इच्छा था टेक्निकल फील्ड में जाना, जिसके वजह से मैं ISC में मेरा दिलचस्पी लगा और मैं ISC किया। बहुत अच्छा,
तो आप ऐसे किए, आप साइंस लेके पढ़े, तो जैसे बहुतों का कहना होता है कि जो बच्चा साइंस लेता है उसको 12 घंटा 8 घंटा पढ़ना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है ये जो बोल रहे थे वो सही है या गलत है? आप कितना घंटा पढ़े, कितना घंटा आप टाइम देते थे अपने स्टडी के पीछे, ट्यूशन से आए घर में पढ़े, मीन्स किस तरह से पढ़ाते पढ़ते थे और किस तरह से आपका रूटीन था, वो भी थोड़ा बता दें हमारे फ्रेंड्स को। सबका खाना एक अलग तरह से अलग अलग होता है। हाँ सही बोल रहे, सही बोल रहे। लेकिन मेरे तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को करने के लिए उसके पीछे टाइम देना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं। तो उसके लिए मिनिमम अगर बोला जाए एक तरह से तो 5 से 6 घंटा रेगुलर ट्यूशन को छोड़कर पढ़ना पड़ता है, तभी एक अच्छे तरह से अपना उस पर कंसंट्रेशन को कायम रख सकते। जी सही बोल रहे। तो आपने जो पढ़े तो उसका तो आप रूटीन बनाए होंगे? हाँ मैं उसका रूटीन बनाया था। चलिए बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ना कि रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, हाँ। है ना? तो आपने जो रूटीन बनाया, ठीक है, तो रूटीन आपने आजकल के नौयुवक जैसे बच्चे हो गए, अभी खेल कूद का उम्र है, तो आपने खेल कूद को साइड किए किए और साइड करके आपने स्टडी के पीछे अपने टाइम को दिए और अच्छे नंबर से पास किए। जैसा कि आप किसान हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, तो अब बता दें किसान काम करके भी आप कैसे पढ़े? जैसे सबको सबसे तो नहीं हो पाता है, किस तरह से आप पढ़े? इधर आप काम किए फिर घर में रात भर पढ़ते थे, ऐसा क्या? देखो जैसे काम करना पड़ता था, लेकिन जैसे मेरे घर में दादा हैं, चाचा हैं, मैं, तो उतना जैसे खेत पे मैनेजमेंट हो जाता था, थोड़ा बड़ा घर का काम और हल्का फुल्का काम करना पड़ता था, वो जितने भी हैं सपोर्ट करते थे, जिसके वजह से उतना वर्क पे ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता था, ज़्यादा कंसंट्रेशन एजुकेशन पे रहता था मेरा। चलिए बहुत अच्छा। आप मेरे फ्रेंड्स को, मेरे दोस्तों को ये बता दें कि हमें तरह से करना चाहिए, जैसे कि हम भी ISC किए हुए हैं, तो मुझे भी पता है कि ऐसे पढ़ना चाहिए, तो आप थोड़ा बता दें हमारे दोस्तों को, ताकि उन्हें भी थोड़ा सीखने को मिले, ताकि सीखे, बहुतों को आता होगा बहुतों को नहीं भी आता होगा, तो उन्हें आप बता कि किस तरह से आप किए, एक बार बता दें डिटेल में किस तरह से पढ़े। मैं ट्यूशन से आने के बाद, जो कोई बच्चा होता है जो ट्यूशन से आने के बाद कॉपी इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, तो आपने क्या किया ट्यूशन से आने के बाद? आप है ना आधा घंटा जो जो केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स कुछ भी हो गया, उसको आप देखे आधा घंटा, है ना, ऐसा ही किए ना? जैसे जितना भी होता है, हर जो मान लो जिसको इच्छा होता है पढ़ने का, वो अपना रूटीन को रेगुलर फॉलो करता है। विथआउट रूटीन, बिना रूटीन फॉलो किए कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है? इसलिए मैं बताया कि मैं रूटीन बनाया था और उस रूटीन को मैं रेगुलर फॉलो करता था। जी बहुत अच्छा। और कुछ कहना चाहते हैं और दोस्तों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी करना है अपने एक इच्छा से करना चाहिए, और जो अगर मोटिवेट कर रहा है उसके बातों को टालना नहीं चाहिए, उसके बातों को समझना चाहिए, और किसी भी चीज़ में अपने आप को कामयाब बनाना चाहिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिन जी, आपने बोला ठीक है, आपने बहुत अच्छा से बताया। तो एक बात और इन लोगों को बता दें कि जो आपका क्या नंबर था, ठीक है, क्या परसेंटेज था, वो भी थोड़ा बता दें इन लोगों को। मैं क्लास 12th ISC में 418 नंबर लाया था। बहुत अच्छा जी। और परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाए तो 83.6% होता है। बहुत अच्छा। और शायद सुनने में आया कि आप 10th में भी टॉपर रहे। 10th में मेरा 422 नंबर था टोटल। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि सचिन जी जो हैं अपना स्टडी को हमेशा फोकस बना के रखते थे, हमेशा सही से पढ़ते थे, 10th में और 12th में भी टॉपर रहे, तो इनसे गांव वालों को बहुत गर्व है कि ऐसा बच्चा, और भी मीन्स गांव को तरक्की की ओर लेके जाने वाला बच्चा है। तो इनसे हमको सीखने को मिलता है कि हम लोग भी ऐसी मेहनत करें, क्योंकि तो आज के ज़माने में स्टडी ही बहुत ही काम का है, विदाउट स्टडी वी कांट डू एनीथिंग। तो हम लोग को भी इनसे सीखना चाहिए और मेहनत करना चाहिए और माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए जैसे इन्होंने किया।
तो इस तरह का और मज़ेदार वीडियो आप लोग सामने आते रहे, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा हाय बाय कर दे भाई, बाय, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।